आने वाली दो मूवियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, एक तो फाइटर और दी वैक्सीन वॉर। ये मूवीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इसका टीज़र जो आने वाले हैं, वॉर का टीज़र जो आने वाला है, वो तो एक तरफा होने वाला है। एक जस्ट उसकी दो चार क्लिप्स आई थी जो कि मैं इंस्टा पर ऋतिक रोशन को फॉलो करता हूँ, तो वहाँ पे देखी थी। बट जो फाइटर मूवी होने वाली है वो अलग लेवल पे होने वाली है। तो जो उसके डायरेक्टर हैं वो वॉर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, सिद्धार्थ आनंद। अगर आपने नहीं पता तो गूगल सर्च कर लीजिएगा। उनकी बैंग बैंग मूवी थी और पठान मूवी भी उन्हीं की थी। तो उनकी जितनी भी मूवीज़ अभी तक आई हैं वो सब हिट रही हैं, और एक्शन मूवीज़ के लिए, ऐसी मूवीज़ के लिए वो जाने जाते हैं। अब वो जो फाइटर मूवी है उसमें उन्होंने बोला गया है कि 90% तक शूट है, जो मतलब एक तरह से आप मान लो हवा में ही रहेगा। और ऐसा एक्सपेरिमेंट उन्होंने बोला आज तक इंडिया में कभी नहीं हुआ, और इंडियन सिनेमा में आज तक इंडियन ऑडियंस ने ऐसा कुछ नहीं देखा होगा जो वो मूवी में दिखाएंगे। और बोले टीज़र से ही वो लोगों को इम्प्रेस कर देंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई और कितना इसमें पोटेंशियल है इस मूवी में, वो जब टीज़र आएगा तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और 25 जनवरी को ये मूवी आ जाएगी। तो इस मूवी में अनिल कपूर जी हैं, दीपिका पादुकोण है, और ऋतिक रोशन तो खैर है ही है। तो मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाने वाला है। बैंग बैंग इन्होंने जो मूवी बनाई थी वो तो मतलब एक तरफा थी, और 90% यानी कि हवा में शूट कर रहे हैं, तो VFX तो भरपूर होगा, और अच्छा VFX होगा तो मज़ा आएगा। जैसे पठान मूवी में कुछ सीन्स में बड़ा गंदा VFX किया गया था, जैसे लास्ट के क्लाइमेक्स सीन में जिस पे जॉन को नीचे गिराया जाता वो घर वाला, काफ़ी ऐसे ऐसे कुछ थे जो बात बनी नहीं। लेकिन अभी अगर इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और ये चीज़ अच्छे तरीके से बना के निकाल देंगे तो मज़ा आ जाएगा देखने में। द वैक्सीन वॉर की अगर हम बात करें, जो मूवी आने वाली है, इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स बनाई थी। तो ये भी एक असली कहानी पे है। तो वो वैक्सीन कैसे बन के आई, जब कोरोना का टाइम चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और किस किस तरीके से वो वैक्सीन हमारे तक पहुंची, और किस किस चीज़ों पे, जैसे एक सीन में दिखाया गया कि चूहे पे एक्सपेरिमेंट उसका किया जाता है, तो उन लोगों को किस किस से लड़ना पड़ा, और किस वैक्सीन पे असल में भरोसा किया जा सकता है कि हमारे लिए सही होगी या नहीं होगी, ये सब कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। मतलब मैं तो इस मूवी के लिए इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि यार ऐसी चीज़ें बहुत कम बनती है जो डीपली स्टडी करके ऐसे बनाई जाए। तो इसका कॉम्पिटिशन वैसे तो सलार मूवी से, अब ऑडियंस पता नहीं किस तरफ जाएगी, ऑफ कोर्स मास सिनेमा की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। लेकिन इनका भी रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने नेशनल अवार्ड विनर रहे हैं ये डायरेक्टर, तो मतलब कुछ तो बढ़िया तरीके से आएगा ही आएगा। तो ये मूवी भी अच्छी खासी चल सकती है। इनकी टक्कर वैसे ही है जैसे गदर और OMG की है। OMG थोड़ा स्लो चल रही है लेकिन उसकी स्टोरी में बहुत पोटेंशियल और दम है। जो गदर है वो इमोशंस है, लेकिन स्टोरी है जो पहले की वो इतनी कुछ खास है नहीं। बट चलो खैर, जैसा ऑडियंस को जो चीज़ अच्छी लगे। सिनेमा तो फुल जा रहे हैं, भरी हुई सीटें हैं, तो अब गॉड नोस। पहले पहले जब टिकट एडवांस में बुक हो रही थी तो 180 में मिल रही थी, अब तो भैया 1,000, 400, 500 बहुत महंगी महंगी जा रही है। तो खैर ये बात दूसरी मूवीज़ की हो गई। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।